ओके हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अनिकेत और आप लोग देख रहे हैं अनिकेत एक्सप्लेन चैनल को। आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक बने रहना। मूवी की स्टार्टिंग में हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक बूढ़े आदमी को बचा रहा था CPR देकर, जिसकी फिलहाल ही एक एक्सीडेंट से मौत हुई थी। यहाँ से सीन जो है वो चेंज होता है और डेविड को हम देखते हैं, वो अपने रूम में होता है, वहाँ पर स्मोक कर रहा होता है और एक पेंटिंग को देख रहा होता है जो बहुत ही पुरानी थी। उसे देखकर वो अपना बचपन याद कर रहा था। यहाँ से सीन जो है वो स्वैप होता है, टाइम स्वैप होता है यहाँ से, और वो 1958 में पहुँच जाता है, यानी कि उसके बचपन में। और हम एक छोटे डेविड को देखते हैं, वहाँ पर एक मई नाम की एक लड़की आती है। डेविड उसके हाथ पर एक निशान देखता है और वो उससे पूछता है कि ये कैसे आया। तो वो बताती है कि मेरे पेरेंट्स की कुछ 2 सालों पहले डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में, एक रोड एक्सीडेंट में। तब से मैं अपने एक आंट के पास रहती हूँ और वहीं से मेरा ये हाल है, वो मुझे अच्छी तरह से बिहेव नहीं करती है वो मेरे साथ। गाइज, मैं यहाँ पर डेविड से ये कहती है कि मैं तुम्हारे फ्रेंड की सिस्टर हूँ, मैं उसकी बड़ी सिस्टर हूँ, और वो उसे डेविड के फ्रेंड का नाम बताती है। तब डेविड भी ये सब देख के चौंक जाता है और कहता है कि अब तो मतलब मैं और भी ज़्यादा मुझे खुशी है कि तुम मेरी एक फ्रेंड की एक सिस्टर हो। तो वो अगले दिन अपने फ्रेंड के साथ मिलता है, उसके साथ कुछ के कुछ और दोस्त भी होते हैं और एक लड़की होती है छोटी जिसका नाम होता है सुजैन। और दोस्तों फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक जंगल में जाते हैं, वहाँ पर एक गेम खेल रहे होते हैं, जिस गेम में अंदर एक लड़की जिसका नाम सुजैन होता है वो हार जाती है। और यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि सुजैन जो लड़की थी उसका जो पैर था वो एक ख़राब था और वो एक अपाहिज हम कह सकते हैं, उसका एक नकली पैर भी था। गेम में हारने के बाद वो लोग उसको एक पेड़ से बांध देते हैं, उसको सांप से डराते हैं। यहाँ से सीन जो है दोस्तों चेंज होता है और हम मेक और डेविड को देखते हैं जो कि एक सर्कस में आए हुए थे। वहाँ पर वो दोनों सर्कस देख रहे थे और अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तब मैं डेविड के साथ एक राइड पर घूम रही थी तो वो दोनों बातें भी कर रहे थे। फिर इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर आंट रूथ को, जो मे की जो एक कहते हैं हम एक फोस्टर फैमिली में मैं रहती थी, यहाँ पर वो एक उसकी आंट थी जिसका नाम था रूथ। रूथ जो मैडम थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, वो स्मोक करती थी, ड्रिंक करती थी और अपने साथ उसके साथ जितने बच्चे रहते थे उन सबको ये करवाती थी, पर मैं जो है ऐसा करने से इनकार करती थी, इसलिए वो उसे चिढ़ती थी, उससे अच्छा बिहेव नहीं करती थी। फिर हम देखते हैं कि आंट रूथ के जितने भी बच्चे हैं वो सारे ही बड़े गंदे हैं, गंदी गंदी मूवीज़ देख रहे हैं और वो मे को भी अनड्रेस होते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात थी क्योंकि वो उसके साथ भी रहते थे। फिर हम देखते हैं कि जो आंट रूथ है वो सारे बच्चों को गार्डन में लाती है और एक उन्हें एक लकड़ी का बेल्ट टाइप कुछ देती है, उसमें आग लगा कर कहती है कि तुम सबको इस घर में जितने भी जाल हैं वो साफ करने होंगे। जो मे होती है वो ऐसा करने से इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है और जो आंट रूथ उसे गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो बाहर जाती है एक शॉप पर, एक पार्क के पास एक शॉप होती है, वहाँ पर वो डेविड को मिलती है जो कुछ ड्रिंक्स एंड पिज़्ज़ा टाइप कुछ खा रहा था। जो डेविड होता है वो ये सारी चीज़ें मे को भी ऑफर करता है और मे उन्हें खुशी खुशी खाने लगती है। मे उसको इस तरह से खा रही थी जैसे उसे कितने सालों में ये चीज़ें नहीं मिली हो, और मे उसे सच में ये भी बताती है कि उसने 3 सालों से कोई भी फास्ट फूड या बाहर का खाना कुछ भी नहीं खाया है। डेविड भी ये सब देखकर चौंक जाता है और उसकी सारी स्टोरी पूछता है उससे। तब दोस्तों मैं जो है वो उसे बताती है कि जो मेरी आंट रूथ है वो मेरे साथ बहुत ही गलत व्यवहार करती है, बहुत ही गंदा बिहेव मेरे साथ वो बिहेव करती है, और मेरा एक पैशन भी है एक पेंटिंग करने का, और आंट रूथ जो है वो मुझे आगे फॉलो करने नहीं दे रही है और वो मुझे डांटती है। तब डेविड उससे कहता है कि तुम वो पेंटिंग मुझे ला कर दोगी, मैं आंट रूथ को कन्विंस करूँगा तुम्हारा ये टैलेंट आगे बढ़ाने के लिए। तो अगले दिन हम देखते हैं कि जो मे होती है वो डेविड के घर आती है, पर उसे डेविड नहीं मिलता है क्योंकि वो उसके घर पर निगरानी रखता था, आंट रूथ को देख रहा था कि वो कैसी है। जो मे है वो अपनी पेंटिंग डेविड के हाउस पे लाती है, उसके मदर एंड फादर को देती है। वो दोनों जैसे घर में होते बात कर रहे होते हैं, तभी डेविड आता है और वो डेविड को उस पेंटिंग को देते हैं। अगले दिन दोस्तों जो डेविड है वो उस पेंटिंग को लेकर आंट रूथ के घर पर जाता है और आंट रूथ ये देखकर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और तभी वहाँ पर वो मे को बुलाती हैं। और दोस्तों ये जो पेंटिंग हमने देखी थी ये वही पेंटिंग थी जो पहले हमने बड़े वाले डेविड के पास देखी थी। यहाँ पर मे आंट रूथ के पास आती है, वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पनिश करती हैं। फिर रात का सीन होता है और डेविड जो है अपनी विंडो से झांक रहा था आंट रूथ के घर में और देख रहा था कि जो आंट रूथ है वो मे को इंटरोगेट कर रही थी और उसे मार रही थी कि तुमने ये पेंटिंग कैसे बनाई, फलाना ढिमकाना ये और वो। यहाँ से जो है दोस्तों सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जो मे का जो फ्रेंड होता है डेविड, वो मे के मिलने के लिए उसके घर जाता है और देखता है कि आंट रूथ के बच्चे मे को गलत जगह पर टच कर रहे थे, जिसके गुस्से में आकर मे उनमें से एक बच्चे को धक्का दे देती है। वहाँ पर रूथ आती है और वहाँ पर एक बैठी हुई लड़की जो वहाँ पर ये सब देख रही थी, अपाहिज लड़की जिसका नाम सुजैन था, वो उससे ये सब पूछती है। वो ये सब बताती है कि ये सब कुछ मैंने किया है और ये सब उसने गुस्से में आकर किया है। ऐसा सुनने के बाद
जो रुथ होती है वो उस लड़की सुजैन को पनिश करती है, उसे धक्का देकर उसको बैक पर बहुत जोर से स्टिक से मारती है। फिर वहाँ पर उसके बच्चे मे को भी ले आते हैं और वो मे को भी पनिश करती है। अगला सीन ऐसे चेंज होता है और मे को एक पुलिस वाले के पास देखते हैं जो मे की सारी बातों को सुन रहा था, और वो पुलिस वाला कहता है कि तुम डरो मत, मैं इस चीज़ की इंक्वायरी करूँगा। तो ऐसा सुनने के बाद जैसे ही रुथ को ऐसा पता पड़ता है कि पुलिस वाले ने उससे ये बातें करी है, वो मे को बहुत बुरी तरह से अपने बच्चों से पिटवाती है और ख़ुद भी मारती है। अगले दिन डेविड ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताता है जाकर, उसके पेरेंट्स भी उसे दिलासा देते हैं कि बेटे हम इन दूसरे लोगों के उसमें कर ही क्या सकते हैं, तो तुम भी रहने ही दो। अगले दिन मे जो है उसका दोस्त उसे मिलने के लिए आता है डेविड से मिलने। हम देखते हैं कि मे को उन सब लोगों ने एक हैंगर पर लटका रखा है और वो एक एक करके नीचे से बुक हटा रहा है, जिसके कारण मे के हाथों पर खिंचाव पड़े, उसे दर्द। ये लोग एक एक करके उसको अंड्रेस कर रहे थे, और बहुत ही जो कि शर्मनाक बात थी एक फैमिली के लिए, चाहे भले वो एक फोस्टर फैमिली हो। ये सब कुछ आंट रुथ के कहने पर हो रहा था और वो ये सब उसके बच्चे कर रहे थे। इसके बच्चे अपने कपड़े उतारते हैं और मे के पास जाते हैं, जैसे आंट रुथ जो है वो सो जाती है और वो रुथ से कहते हैं कि हमें एक सौदा करना है, हम तुम्हारे एक एक कपड़े उतारेंगे, इसके बदले हम तुम्हें पानी पिलाएंगे। पर रुथ जो है जो मे वो उन सब बच्चों को गुस्से में आकर भगा देती है। अगले ही सीन में रुथ मे को एक सैंडविच ऑफर करती है पर गला सूखने की वजह से वो उसे नहीं खा पाती और गुस्से में आकर रुथ पानी को भी फेंक देती है, सैंडविच को भी फेंक देती है। इस सीन के बाद दोस्तों जो हम देखते हैं कि रुथ होती है वो और उसके बच्चे मे को बुरी तरह से मार रहे थे, हम देखते हैं कि जो डेविड होता है वो वहाँ से भागकर अपने डैड को सारी सीन के बारे में बताता है और कहता है कि डैड आप पुलिस से बातें क्यों नहीं करते हो इस चीज़ के बारे में कि उस लड़की को कितना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। तो उसके डैड भी उसे दिलासा देकर कहता है कि हम बच्चे करेंगे, हम इंक्वायरी करेंगे, मैं पुलिस से कहूँगा। पर जो डेविड है उसका मन नहीं भरता है, वो अगले दिन मे के घर पर जाता है और वो फिर से रुथ का मे के साथ वही बिहेवियर देखता है। जो डेविड होता है वो रुथ को ये सब बातें बताता है पर रुथ उसकी कोई बातें नहीं मानती। पर डेविड यहाँ पर एक चाल चलता है, वो आंट मे से कहता है कि आंट मे ऊपर एक पुलिस वाला है, आपको उससे मिलना चाहिए, मैं जाकर इस मे को देखता हूँ ताकि ये भाग ना जाए। रुथ और उसके सारे बच्चे ऊपर पुलिस वाले के पास जाते हैं और वो पुलिस वाला उनसे कहता है कि मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है, पर उसे तलाशी में कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि उन लोगों ने जो मे थी उसको बेसमेंट में कैद कर रखा था। ऐसा सब करने के बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम डेविड को देखते हैं जो मे से बातें कर रहा था और उसे दिलासा दे रहा था कि तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें बचाऊंगा, और वो मे को एक नेल नेल कटर दे देता है जिसके कारण वो अपनी रस्सी छुटा सके और वहाँ से भाग सके। हम देखते हैं इन दोनों के दोस्तों इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी, ये दोनों आपस में लव करने लगे थे बहुत ही अच्छा वाला। यहाँ पर डेविड मे को ये बताता है कि मैं तुम्हारे लिए जंगल में मैं तुम्हें लोकेशन एक बता दूंगा जहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए पैसे रखे हैं, और जैसे ही तुम छूट जाओ वो पैसे लेकर तुम अपने बाहर कहीं चली जाना। दोस्तों अगला दिन होता है और रुथ को और उसके सारे बच्चों को ये पता पड़ जाता है कि डेविड ने ही मे को वो नील कटर दिया था जिसके कारण वो वहाँ से भाग सकती थी। ये सारी बातें रुथ को अच्छी नहीं लगती हैं और वो डेविड को बुरी तरह से धमकाती है, उसे भी इंटरोगेट करने लगती है और उसको भी मे के साथ जैसे मे को बांध रखा था वो मे को भी ऐसे ही बांध देती है, वो डेविड को भी ऐसे ही बांध देती है। पर दोस्तों सबसे कहते हैं घिनौनी बात वो एक कर रही थी कि वो मे के बॉडी पर एक गालियाँ लिख रही थी और उसको एक ब्लू टॉर्च होती है ना, उस ब्लू टॉर्च से वो मे को जला रही थी। ये सब डेविड देख नहीं सकता था और वो ऐसा देखते हुआ वो भी बेहोश हो गया था, और उसके बेहोश होने के बाद रुथ ने भी डेविड को मे की तरह ही बांध दिया था। दोस्तों ये बहुत ही घिनौना सीन था, बहुत ही गंदा सीन था। यहाँ पर डेविड जो है वो किसी ना किसी तरह से अपनी रस्सी को छुटा लेता है और वो सुजैन को वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पर जो सुजैन थी अपाहिज बच्ची थी वो भी उसी रूम में बंद थी। वो सुजैन को वहाँ से जाने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर मे में कुछ ही सांसें बची थी। दोस्तों यहाँ पर डेविड सुजैन से कहता है कि सुजैन तुम्हें ऊपर जाना होगा और पुलिस वाले अंकल को बुलाना होगा क्योंकि अब वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। सुजैन से वो वादा करता है कि वादा करो तुम उनके अलावा हमारी बातें किसी को नहीं बताओगी, और ये यहाँ पर एक आइडिया प्लान बनाते हैं कि वो एक रुस रूम में आग लगा देते हैं जिसके धुएं के कारण पुलिस वाला यहाँ पर आ जाए, और जैसे ही वहाँ पर रुथ नीचे आती है डेविड रुथ को मार देता है उसके सिर पर एक वार करके और उसके सारे बच्चों को भी उस नाइफ से मार देता है। और दोस्तों जैसा कि उसका प्लान था धुएं वाला, और उसी धुएं के कारण पुलिस वाला नीचे आ जाता है, वो उसके सारे बच्चों को और रुथ को अरेस्ट कर लेता है और सुजैन भी अच्छी तरह से वहाँ से रिकवर हो जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर डेविड था उसने मे को अपनी गोदी में ले रखा था और उसी गोदी में ही मे अपनी आखिरी सांस भरती है और मर जाती है। दोस्तों यहाँ पर हमारी मूवी एंड होती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मूवी के एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स।